हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जीरो एफआईआर के बारे में अंडर सेक्शन 154। देखिए, जो जीरो एफआईआर है इसको रिकमेंड किया गया था बाय जस्टिस वर्मा की कमेटी द्वारा इन 2013 और इस कंसेप्ट को लेके आया गया था आफ्टर द दिल्ली गैंग रेप केस ऑफ दिसंबर 2012, जिसे हम निर्भया कांड भी कहते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब है एफआईआर को रजिस्टर करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। भी एरिया कोई सा भी हो, बंदा कंप्लेंट लेके आया है, तुम उसे रजिस्टर करो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ, जहां पर भी, कहीं पर भी। आप मान लीजिए मैं हिसार से हांसी जा रहा था और इन बिटवीन एरिया कोई गांव पड़ रहा था, वहां पर मेरे साथ क्राइम हो गया, मेरे साथ किसी बंदे ने मेरे पे हमला कर दिया एकदम आकर, तो मैं जितनी जल्दी कोशिश हो सकी थी मैं पुलिस थाने में गया, एफआईआर दर्ज करवाने, सर मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। वो मेरे से पूछे, अच्छा आप कहां से? मैं जी सेक्टर 16 से। तो कहेगा जी ठीक है, आप उस एरिया में जाके करवाना। तो ये केसेस में अब क्या, अभी मैं सेक्टर 16 थोड़ी ना हुआ वापिस हिसार के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जी मेरे साथ वहां पर ऐसा हुआ था। फिर ये वाला कहेगा कि भी नहीं नहीं ये मेरा एरिया नहीं है, जहां पर ऑफेंस हुआ वहां पर करो। तो ये जो जीरो एफआईआर का मतलब है कि भी एफआईआर को दर्ज करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, जहां पर ऑफेंस हुआ है वहीं पर ही उसी एरिया के पुलिस थाने में आप जाकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब जो पुलिस है ये नहीं कह सकती कि केस उनकी ज्यूरिडिक्शन या उनके एरिया का नहीं है। आप किसी भी थाने में एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। इस कंसेप्ट के बाद पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो उस एफआईआर को दर्ज करके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसकी ज्यूरिडिक्शन में वो केस आता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन चालू हो सके जल्द से जल्द। इस कंसेप्ट को इसलिए लेके आया गया, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हुए, रोड एक्सीडेंट के केसेस हुए, वहां जल्द से जल्द पुलिस जाकर एविडेंस को इकट्ठा कर सके और प्रोसीडिंग को चालू कर सके, टाइम से इमीडिएट एक्शन ले सके। और जनरली जो एफआईआर होती है वो क्या होती है कि भी एफआईआर के साथ सीरियल नंबर होता है, जैसे कि 396, 391 एफआईआर नंबर होते हैं ये। पर जो जीरो एफआईआर होता है इसके अंदर सीरियल नंबर जीरो होता है, दैट्स वाई इसका नाम जीरो एफआईआर पड़ा। सो आई होप आप लोगों को समझ आई हो कि भी आप एफआईआर जहां पर भी ऑफेंस आपके साथ हुआ है उस एरिए के थाने में जाकर आप एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, और कोई पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता है कि भी मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ये मेरी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता एरिया, या फिर कोई भी बहाना नहीं लगा सकता। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये जीरो एफआईआर के बारे में है कि भी आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि भी आप किस एरिया में, आप उस एरिया में जाके कंप्लेंट दर्ज करवाएं, जहां पर भी आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है आप उस एरिया के अंदर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, जिसे हम जीरो एफआईआर भी कहते हैं। सीरियल नंबर बाद में डलता रहता है, पर जीरो एफआईआर ये है कि भी डल गई, एफआईआर लिखी गई है, क्रिमिनल जो लॉ है वो मोशन में आ गया है, कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एफआईआर को, और वो बाद में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं उसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल। सो आई होप आपको समझ आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कानून की जानकारी हर एक के पास होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें। माई सेल्फ गुरजंट सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।